नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आज हम देखेंगे कि कैसे हम सी पहला सी का प्रोग्राम रन कर सकते हैं लाइनक्स पर। और मैं लाइनक्स का यूबंटू 15.10 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे अपना फर्स्ट पहला प्रोग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसा रन कर सकते हैं यूबंटू पर। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक फोल्डर बनाएंगे और उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं अपना अपना ही नाम दे रहा हूँ। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर मैंने इसलिए बनाया कि जितने ही प्रोग्राम मैं रन करूँगा सी प्रोग्रामिंग के, वो मेरे सारे प्रोग्राम जो होंगे इस फोल्डर में होंगे, ठीक है। और ये जो मेरा फोल्डर है ये डेस्कटॉप पर है, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ ये, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एम्प्टी डॉक्यूमेंट बनाऊँगा। और इसको मैं डबल क्लिक, ये बेसिकली जी एडिट है, जैसा कि विंडोज़ में अगर देखें तो नोट पैड होता है, वैसे ही यहाँ पर यूबंटू में जी एडिट है। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे इसको, ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी सी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा वॉइड मेन से, ठीक है। और इसको मैं सेव नहीं करूँगा अभी, अभी मैं एक्चुअली इसको पूरा लिख लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मैंने void यूज़ किया। void बेसिकली जो एक रिटर्न टाइप है, और यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ मेन। मेन बेसिकली एक फंक्शन है, जिस जिस भी किसी वर्ड या अल्फाबेट के बाद डबल पैरेंथेसिस लगे होंगे, इसका मतलब है कि वो फंक्शन है। और फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। बट अगर आप उससे फंक्शन से पहले कोई void पुट कर देंगे, इसका मतलब है कि आपका जो मेन फंक्शन है आपका जो मेन फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप वॉइड लगा दें किसी भी फंक्शन से पहले, इट मीन्स योर फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। आपका जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट पर राइट क्लिक करूँगा सेव एज पर। और मुझे कहाँ पर इसको सेव करना है, मैं देख रहे हैं कि मेरा डेस्कटॉप पर अरविंद फोल्डर है, वहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और मुझे सेव करने के लिए मान लिया, सपोज मैं कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ, हेलो, और मैं इसे डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करूँगा, ठीक है। हेलो डॉट सी, जिस प्रोग्राम का एक्सटेंशन होगा वो डॉट सी होगा, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे कलर आ जाएगा, वो जो आपका रिटर्न टाइप है वो आपका कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। चलिए मुझे क्या करना है कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास सी में एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ, तो मैं प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ। और प्रिंट एफ का सिंटैक्स जो होता है वो ये होता है, प्रिंट एफ आपका पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, डबल कोट्स, ठीक है। और जो भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो ही प्रिंट हो जाएगा। या मैं लिखता हूँ सी प्रोग्रामिंग ऑन यूबंटू, ठीक है। जो भी मैं लिखूँगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये लीजिए। बट मैं जानता हूँ कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि मेरा जो फंक्शन प्रिंट एफ है वो एक हेडर फाइल में डिफाइन है। वो हेडर फाइल जो है वो हेडर फाइल है आपका हैश इंक्लूड। जब हम हैश की बात करते हैं तो हैश आपका प्री प्रोसेसर है, और हैश इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग एक हेडर फाइल देंगे stdio.h। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्लास में कि std फॉर स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट, डॉट h मीन्स हेडर फाइल। तो ये हेडर फाइल है, आपको इसको इंक्लूड करना होगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपका प्रिंट एफ फंक्शन जो है इस हेडर फाइल में डिफाइन होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अपना प्रोग्राम रन करना है। तो रन करने के लिए मैं करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है कि जहाँ पर भी ये मैंने सेव किया उसको मुझे ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करने के लिए मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बनाया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अगर किसी ने नहीं किया हुआ टर्मिनल आएंगे तो भी आ जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे आप, जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये कुछ डिटेल्स आएंगी। अब आपको क्या करना है कि उसे ट्रेस करना है कि आपका प्रोग्राम कहाँ सेव है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप पर अरविंद नाम के फोल्डर में सेव है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप, देखिए मैं डेस्कटॉप पर आ गया। तो बेसिकली इसकी कमांड होती है, जिस भी आपको डायरेक्टरी में जाना है वहाँ पर यूज़ करेंगे cd। cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये आपने होम डायरेक्टरी से आप ट्रांसफ़र हो गए यहाँ पर डेस्कटॉप पर।
अब आप चेक करेंगे कि डेस्क के ऊपर कौन कौन से फोल्डर हैं या डायरेक्टरीज हैं। बेसिकली यहाँ पर हम डायरेक्टरीज कहते हैं फोल्डर को। तो हम इसके लिए हमारे पास कमांड होती है ls, ls मीन्स लिस्ट व्यू। ठीक है, हम ls टाइप करेंगे, देख सकते हैं हमारे कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स आपके डेस्कटॉप पर है। हम देख रहे हैं हमारे पास एक फोल्डर है जो कि ब्लू कलर में शो हो रहा है, तो हम यहाँ करेंगे, फिर इसमें जाएंगे, ट्रेस कर रहे हैं, तो cd और arvind, हमने एंटर किया। देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने अरविंद फोल्डर में। अब हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे कौन कौन सी फाइल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम सेव किया था hello.c, वो आपका सेव हो चुका है अरविंद फोल्डर में, तो ये आपका शो हो रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं इसको रन करने के लिए gcc, और हमारी जो कमांड होगी कंपाइल करने के लिए, सबसे पहले हमें तो हमें प्रोग्राम आ चुका है जो कि हमारा है hello.c, हमें इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हमारे पास जो कंपाइलर होता है लिनक्स में, वो gcc होता है। तो हम लिखेंगे gcc और प्रोग्राम नेम, हेलो प्रोग्राम नेम विद एक्सटेंशन। ठीक है, हमने इसको हिट किया। अगर यहाँ पर कोई एरर होगी तो एरर आ जाएगी, अगर एरर नहीं होगी तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है,